बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार पुलिस सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दी है। कल रात करीबन 7 बजे के आसपास ये चेकिंग पूरे पटना की सड़कों पर देखने को मिला और 26 जनवरी को देखते हुए खास तौर पर ये सघन चेकिंग अभियान किया गया। लगातार जिस तरीके से बिहार में और पटना में खास तौर पर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर ये चेकिंग किया गया। आने जाने वाली हर गाड़ियों को चेक की गई, उनके कागजात देखे गए, कई सवाल उनसे पूछे गए और लगातार बिहार के और खास तौर पर पटना के हर चौक चौराहे पर यह तस्वीर करीबन 4 घंटे तक देखने को मिला। अपराधी पर नकेल कसने के लिए 26 जनवरी और वरीय पुलिस पदाधिकारी के अनुसार रविवार को सभी थाना क्षेत्र विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बोरिंग रोड चौराहा, राजवंशी नगर, आर ब्लॉक, स्टेशन रोड, कोतवाली, नाला रोड, दिनकर गोलंबर, मलाई पकड़ी, मुन्नाचक, शास्त्री नगर विभिन्न इलाकों में पुलिस ने करीबन 4 घंटे तक अधिक देर रात सघन वाहन चेकिंग चलाया। मिली जानकारी के अनुसार चेकिंग के दौरान 44 गाड़ियों एवं संदिग्ध वाहनों को पकड़ा गया। देर रात करीबन वाहन असली मालिक द्वारा कागजात दिखाने के बाद उसे छोड़ दिया गया। सचिवालय ASP काम्या मिश्रा एवं सचिवालय थाना दर राजवंशी नगर के पास भी चेकिंग किया गया। उसके अलावा बुद्धा कॉलोनी, पिरबोहर थाना, पत्रकार नगर, कंकड़बाग आदि थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान लगाया। लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है पटना में खास तौर पर उसको देखते हुए ये सघन चेकिंग अभियान किया गया और पटना की कई ऐसे सड़कों पर देखा गया। और सचिवालय ASP काम्या मिश्रा के नेतृत्व में राजवंशी नगर, हड़ताली मोड़, पटना के शास्त्री नगर इलाके में चेकिंग की गई, जिसके बाद कई गाड़ियों को जब्त की गई और उसके बाद असली मालिक को बुलाकर कागजात देखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश।